राख पूरी ताकत लगा जोर से। लगा पूरी शक्ति लगा। कब मारने वाला था उसको मास में कुंडम में देखो दस डब्बे दे। हेलो दस डब्बे दे गुलाम रामी जी जी जोर से और जोर से जगड़ लो उस कुत्ते के साथ उसके हाथों में से भी आग लगाओ। लाओ पूर्णी शक्ति लाओ की त्या इधर तुझी परसों की है ना जी देना 15-20 दिन हो रहे होंगे ना जब तक दिए ना तुम्हें झगड़ो उसको अंदर से तेज इच्छा कोनी मन ले जा जोगे मनोन आशा मत दिखाओ गात ले होते थे। हाँ कहाँ से पकड़े तुझे शमशान से कब्रिस्तान से क्या खुद ब खुद आया उसके अंग में झगड़ो उसको तेज इच्छा। लाओ पूर्ण शक्ति लाओ छोड़ देते तुझे पूरा काट देंगे पूरी ताकत लगा जोर से। झगड़ो उसको तेज एक साथ में आग लगाओ उसके हाथों में से। जोर से और जोर से पूरी ताकत तेरे दो टुकड़े कर दूंगा मैं जल्दी जोर से। कहां से आया था शमशान से कब्रिस्तान से। हाँ क्या कर रहा उसके अंदर बैठ के दारुआ पी रहा था क्या क्या कर रहा तमाशे जोर से और जोर से। उसके अंदर से आग लगाओ जोर से लगा पूरी ताकत और जोर से। जोर से पूरी ताकत लगा छोड़ूंगा ना को छोड़ू देखू। हाँ छोड़ना के नहीं छोड़ना जोर से बोल। हेलो बोल। हाँ छोड़ू ना को छोड़ू जकड़ लो उसको और तेज के साथ जकड़ो उसको छोड़ो मत उसको जब तक उन्हें सवाल के जवाब नहीं देंगे जब तक उसके अंदर आग लगाते रहो। हेलो चलाओ उसके हाथों की भी शक्ति कम करो तेज के साथ में। बड़ी बड़ा डब्बा कौन लाए थे कौन आन ले होते थे मानूस आए भाई को आए कौन आए थे मित्र आए सोयरे आए कौन लोग का आए थे काय दुश्मनी होती है कुटुन आन ले शमशान से कब्रिस्तान से जलाओ उसको जब तक उन्हें नहीं बोलेगा आग लगाते रहो उसके अंदर। बाबा नाना बोल रहे हैं 110 रुपये लगा देना।
कवा जीव घेऊन घेणार होता याचा? हा आमुशाला पौर्णिमाला जलाओ जलाओ उसको छोड़ा मत तेजी से। दो टुकड़े कर दू तेरे गदन काट के ले लू धड़ बाहर फेंक दू क्या बोल? नहीं काट के लेता तेरी मुंडी काट के बाहर टांग देता तो कितने लोग आ रहे जा रहे गिनती करना पूरी बोल ले लू काट के। हाँ सही सही बोल पूरी बच्चे को कब मारने वाला था अम्मास में पूनम में सही सही बोल जल देख छोड़ दे रहे थे को ऐसा एक बार भी। हाँ कब मारने वाला था इसको अम्मास में पूनम में? हाँ जोर से जोर से जोर से छोड़ दो पंखे की स्पीड कम करें नशा करने लगा रहा था इसको अंदर बैठ के। हाँ नशा करने लगा रहा था। हाँ तू कर रहा था अंदर बैठ के नशा? हाँ जोर से बोल। हाँ नशा कर रहा था उसके अंदर बैठ के और उसका हाथ को भी तू काट रहा था क्या वो? हाथ को काट रहा था तू? क्यों काट रहा था उसका हाथ ये? हाँ क्यों कर रहा था उसके हाथ को ऐसा खराब? क्यों काट रहा था इतना ये? क्यों काट रहा है काटने लगा रहा था उसके हाथ को? कौन काट रहा था? तू काट रहा था? हाँ जोर से क्यों काट रहा था? वजह काटने की वजह क्यों इतना उसके हाथ को जख्म कर दिया ये सब? उसको सुसाइड करने लगाने वाला था क्या? हाँ इसके अंदर बैठ के तू नशा भी कर रहा था और उसका खून भी पी रहा था? खून पीने में मजा आता तुझे? नहीं। फिर क्यों काटने लगा रहा था वो? देखो ऐसा बोले क्या उसका हाथ काट काट के मार दे बोल के उसको? हाँ मेरा भाई तो ऐसे काटा था। अच्छा तेरा भी हाथ ऐसे कट के मारा था तू? कहाँ मारा था? कौन से गांव में मारा था? कौन से गांव में? परभनी में। कौन से एरिया में मारा था? बस स्टैंड। हाँ जोर से बोल। बस स्टैंड के। कितने साल हो गए मर के? 25। क्या नाम था मरते वक्त? क्या नाम था? नाम नहीं बोल सकता। हिंदू का था मुसलमान का था? वो भी नहीं बोल सकता। जल्दी बोल तो काट दूंगा पूरा दो टुकड़ा कर दूंगा। हाँ ऐसा हाथ खुद का काट के मारा था तू? अरे तो दूसरों को भी अब ऐसा मार रहा था काट काट के वर करेगा। कब मारा था तू? सुबह के टाइम के पे के शाम के टाइम में? शाम के। हाँ शाम के वक्त मारा था तो इस वास्ते इसको रोज शाम में इसके हाथ फाड़ रहा तू आंग में आके। हाँ अरे ये छोकरा तेको मिला कहाँ पे? ये कुटो भेट ला होता है पोर का तुला? हाँ कब पकड़ा तूने इसको? कितना टाइम हो रहा पकड़ के? एक महीना पहले। क्यों पकड़ा इसको? वजह पकड़ने की? हाँ कोई कोनी पार्ट भी ले जाऊंगा मत तू लाकर खुद ब खुद पकड़ा उसको? हाँ घुस गया। अच्छा लगा थे कूने? हाँ क्या कर रहा था उन्हें वहां के बस स्टैंड के पास जो तू उसको लग गया तो? क्या कर रहा था उन्हें वहां आके? हाँ जोर से बोल। जा रहा था। हाँ जा रहा था तो तूने उसको पकड़ लिया? क्यों पकड़ा तूने? वजह उसको पकड़ने की? हाँ जल्दी बोलना तो मैं काट दूंगा तेरे को दो टुकड़े करूंगा। बहुत तेरे को काटना काटने की मजा आ रही क्या? काट के ले लू तेरा दोनों हाथा? क्या मुंडी काट दू तेरी? बोल काट के बाहर टांग दू क्या? हाँ खड़े रह के ले रहे। हाँ जोर से जोर से। कहाँ रहता था तू? रहने वाला कहाँ का था? परभनी का था बाहर का था? हाँ परभनी का था। अभी तक कितने लोगों को मारा ऐसा करके? हाँ कितने लोगों को मारा?
ये पहला शिकार है तेरा। अच्छा इसको अभी कितने महीने मार के ले जाने वाला था साथ में? हाँ जोर से बोल। अच्छा दो दिन में मार के साथ में ले चल जाने वाला था। और क्या कर रहा था इसके अंदर बैठ के? नशा भी कर रहा था क्या? क्या क्या नशा करने लगा रहा था उसको? जोर से बोल। और ये हाथ, फिर हाथ क्यों काटने लगा रहा था? वजह समझ में नहीं आ रही। वो क्या मर गया था जोर से? मर गया था, हाथ काट के मरा था। क्यों मरा था वैसे हाथ काट के? क्यों कर रहा था सुसाइड? हाँ धोखा दे रहा था। कहे में किस चीज का धोखा? प्यार में। हाँ प्यार में। अच्छा प्यार में किससे करता था प्यार? लड़की थी औरत थी? क्या नाम था उसका? लड़की थी। क्या नाम था? पुनम। हाँ पुनम। क्या पुनम? कहाँ रहती थी? नमस्कार की तरह एरिया। क्यों? चलो क्या करना तेरे साथ सुन। लोग बोला हाँ ऐसे लोगों के बच्चों के जाना लेता रहे नाला उसे खाता काटने लगा था लोगों को। शर्म नहीं आ रही तुझे कम वक्त? इसके भाई भी आन आ रहा है। और उसके भाई के आन में कौन है वो? क्या नाम है उसके भाई का? रोहित। रोहित के आन में कौन है? तुझे है क्या दूसरा है? उसके आंख में क्यों गया था? सवाल का जवाब जल्दी दे तो काट दूंगा। उसके आंख में क्यों गया था? क्यों उसको उसके आंख में जब क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? हाँ उसके आंख में जाके क्या कर रहा था जल्दी बोल। उसको भी साथ में ले जाने वाला है क्या? नहीं। हाँ इसको ले जाने वाला है। ये पसंद आ गया क्या तुझे? अच्छा क्यों तेरे जो लड़की से प्यार करता था उसका भाई एक क्या ही है? और फिर क्यों ले जा रहा उसको? क्या वजह है? उसका रिश्तेदार है ये? इन्हें फिर वो लड़की से प्यार करता क्या? इन्हें भी फिर उसके बेटी से प्यार करता? कब मारा था तू? मर के कितना टाइम हो रहा? 25 साल। 25 साल पुरानी कहानी है। वारे जैसा गलत है ना लोगों के आंख में आना, किसको बेटा परेशान करना, बहुत गलत बात है। दोबारा इसके आंख में दिखना नहीं मुझे। नहीं। जाएंगा दोबारा? नहीं। लेंगा इसकी जान? नहीं। पिलाएंगा उसको दारू? नहीं। कराएंगा नशे? नहीं। चल तो वादा कर, मुंह पे हाथ मार के तो वादा कर, दोबारा दिखना नहीं मुझे उसके आंख में। चल बाहर जाके खड़े हो जाना, मेरे पास में रह जा, मेरे पास में रहे, जो काम लगा है वो काम कर, समझ गया? नहीं। आजाद फिरने का है तुम मोकला हो रे? फिर कोई इंसान को परेशान करेगा दोबारा? नहीं। कोई आदमजात को परेशान करेगा? नहीं। चल तो बात होगा करम, बाहर जा, एक मौका दे रहा हूँ तुझे, एक मौका, सिर्फ एक मौका दे रहे तुझे, एक। दोबारा अगर दिखा उसके आंग में परेशान करा तो फिर तेको बहुत बुरा मारेंगे, तेको काट के तेको भस्म कर देंगे। फिर कम वक्त, चल जोर से कर तो बात होगा। रास्ता खुला छोड़ के जा उसको अभी। चला जा, पंखा बंद करो मारे जरा, चला जा। वो उधर का वो छे, हाँ वो छे, जा छोड़ उसको। जा पूरे तरीके से निकल के चल जा, दोबारा कोई इंसान को परेशान नहीं करना दुनिया में। हाँ जा छोड़ दे। हाय
देवा, क्या नाम है उसका? देवा। है? हाँ। अरे क्या हुआ? क्या हो गया? ये कौन है? सुधीर। ये कौन है? अमर। ये सुमित। चलो आगे के दीदे से ला रहे कैमरा, उसके हाथ की तरफ मार कर क्या। ये जो मसले चल रहे हैं, तो बास दफा ऐसा रहता कि इंसान खुद से होकर नशा करता, और बास दफा ऐसा रहता दास्तान कि वो खुद नशा नहीं करता, उसके अंदर कोई शय, कोई वबा, कोई बला रहती। अब इसके अंदर कोई बला थी, उसको कोई बला ने वहां पर पकड़ ली थी। कहां पर? मैं तो मेरे जबानी कुछ नहीं बताया, उसके जबानी पकड़ के कुछ आया। रोज जब रात हो जाती थी, शाम का वक्त हो जा रहा था, उन्हें अपना हाथ अपने हाथ से काट रहा नशा करके, आके उसको कुछ याद नहीं रह रहा। और सुबह में उसको पता चल रहा कि उसका हाथ कट गया और उसको कहीं टाके लग गए कहीं जगह। और वो क्यों काटा पूछ रहे, तो उन्होंने बोला मेरे को कुछ नहीं मालूम। जब शाम होते ही उस पर वो बला हावी हो जा रही थी, और वो बला उसको क्या बोलते, तो नशा करा रही थी, और नशे करा कर अंदर उन्हें बैठ कर खुद पी रहा था, खुद नशे कर रहा था। और वो कहीं 25 साल पहले की दास्तान है, कुछ लव स्टोरी है, XYZ उसकी जो भी थी पर्सनल लाइफ, उन्हें सुसाइड करा, सुसाइड अटेम्प्ट करके खत्म हो गया था। तो उन्हें सुसाइड करा था ये वो बाबा, और वो बला बता रही है कि उन्हें खुद ऐसे ही हाथ काट के मारा था। तो अब उन्हें इसको भी 2 दिन के अंदर मार के साथ में ले जाने वाला था, और नशे भी उसको करा रहा था उन्हें। और बच्चा उसको कहाँ मिला इन्हें, वहां पर बस स्टैंड के आसपास में, उसको कहीं जा रहा था तो उसको उन्हें झपट में ले लिया था 2-2.5 महीने का, बोला उसमें अंदर है रिकॉर्डिंग में उस वक्त। तो इसलिए सबसे बेहतर है कि दुआ जो है, तो इसलिए मैं तुम लोगों को बार बार बोलता कि तुम दुआएं याद करो। अब उन्हें वहां से जा रहा था, और वो भला का उसका आमना सामना होगा, जो भी हो भला को उन्हें पसंद आएगा, उन्हें उसके अंदर घुसगा हावी होगा, और उसके अंदर बैठकर उसके दिल दिमाग को कंट्रोल में लेकर उन्हें उसको नशे भी करा रहा था, जहमत भी दे रहा था, उसके हाथों को फाड़ रहा भी था। अभी तुमने सब देखे प्रैक्टिकल में, और क्या कर रहा था उन्हें सब बयान भी करा, और लास्ट में उसकी जान भी ले लेने वाला था उन्हें। जो ना मांगे सीख, वो दर दर मांगे भीख। तो इसलिए बेहतर है, सबसे ज्यादा मैं तुम लोगों को बार बार बोलता हूँ कि घर से बाहर निकल रहे तो घर से बाहर जाने की दुआ याद कर लेना, घर में आ रहे तो घर में आने की दुआ याद करना। मामूली 2 लाइन की दुआएं याद नहीं हो रही क्या तुम? आपको खाना खाने बैठे तो खाना खाने की दुआ याद करना, खाने के बाद की दुआ याद करना, ये सब तुम याद करेंगे तो ये तुम्हारी ढाल है। दुआ मोमिन का हथियार है, अल्लाह ने फरमा दिया। तुम जब दुआएं पढ़ के खाएंगे, दुआएं पढ़ के चलेंगे, दुआएं पढ़ के रहेंगे, तो तुम महफूज रहेंगे। दुआ हर कोई याद कर सकता, और हर कोई पढ़ के हर कोई उसका फैज उठा सकता। जरूरी नहीं कि दुआ मुसलमानों के लिए उतरी, मुसलमाना च याद करना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर कोई याद कर सकते। 2-4 दुआएं याद करना, जो मुख्तसर जो मेन मेन वाली है, जैसा घर से बाहर निकलने की, घर में आने की दूसरी दुआ। तुम अगर घर से बाहर निकलने की दुआ पढ़ के निकल जाते तो तुम्हारे आए तक अल्लाह तुमको भी महफूज रखता, तुम्हारे घर वालों को भी महफूज रखता, कोई वबा कोई भला कोई दुनिया आफत कोई चीज तुम्हारे नजदीक नहीं आने देता अल्लाह। ये तुम अगर वो दुआ की बरकत से अगर तुम पढ़ के गए तो, क्योंकि तुमने अपने आप को उसके हवाले करके गए, तो जब उसके हवाले करके जाएंगे तो उन्हें हिफाजत करता, तुम्हारी भी करता, तुम्हारे घर वालों की भी करता, तुम्हारे रिटर्न आए तक घर पर। तो इसलिए खाना जब तुम खाने बैठे तो दुआ पढ़ के खाओ, तुम अपने आप को उसके हवाले करके खाना खा रहे, कोई खाने के अंदर अगर चालबाजी करा कुछ करा तो उतना असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? तुमने उसके हवाले कर दिया अपने आप को। तुम ये हर मामले में जितने भी तुमको पता वाले दास्तान है, ये सब तुम छोटे छोटे मुख्तसर छोटी छोटी बातें हैं, मगर बहुत बड़ी बड़ी है। अगर इस पे अमल नहीं करेंगे तो मामूली बात है, मामूली बात पर तुम अगर अमल नहीं करते तो जिंदगी बर्बाद हो जाती, जिंदगियां बर्बाद हो जाते कई जनों के। कितनी सी बात थी, इन्हें वहां से गुजर रहा था ये छोकरा, हो सकता इन्हें वहां रुक कर पेशाब कराऊंगा, या हो सकता इन्हें वहां पर वो जहां उन्हें मरा था, जहां दास्तान थी, जहां खड़े आला है, या हो सकता वहां खाकर कुछ थूकाऊंगा या कुछ बात कर दियाऊंगा, उन्हें उससे अट्रैक्ट होकर इसके आंग में घुस गया। तो कुछ दास्तान रहते बहुत सारे अलग अलग, और बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे ये है। इसलिए इस्लाम के अंदर अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमा दिया कि 2 मौत है, 2 मौत, मौत मौत तो एक है पक्की रखे वाली, वक्त आने पर वो आएंगी, उससे पहले भी 2 मौत अल्लाह ने रखा, 2 मौत। कुल्लुन नफ्सुल ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार शय को मौत का मजा चखना है, और हर चीज पे अल्लाह क़ादिर है, हर चीज पे अल्लाह हुकूमत करता। और अल्लाह ने बता दिया कि मौत से पहले भी हमने 2 मौत रखे, एक मौत है शहादत की मौत, राह फी सबीलिल्लाह जाओ, अल्लाह के राह में लड़ो, शहीद हो जाओ, शहीद को मुर्दा मत कहो, अल्लाह ने कहा, वो जिंदा है, हम उसका रिस्क उसको बरोबर पहुंचाते, और वो मौत से अल्लाह बहुत खुश हो जाता शहीद की। और दूसरी मौत हराम मौत रखा अल्लाह ने, जाओ सुसाइड करो, गिरो कूदो लटको मरो कैसा भी मरो, वो हराम मौत हो गई, और हराम मौत से अल्लाह सख्त नाराज हो जाता। और अल्लाह ने फरमाया कि दोनों भी मौत तुम अपने हाथ से लेते, शहादत का जाम भी अपने हाथ से पीते, हराम मौत भी अपने हाथ से फंदा डाल के मर रहे, मगर एक अल्लाह के राह में मरी तो बहुत अल्लाह को पसंद है। दूसरा तुम अगर
अंदादाल के सुसाइड करके अटेम्प्ट करके कैसा मर गया, तो अल्लाह को पसंद नहीं है, उससे सख्त अल्लाह नाराज हो जाता और फरमाता कि हराम मौत के करीब मत जाओ, वो तुम पर हराम है मौत, यानी कि अपने हाथ से अपनी जान निकालना। और देख लीजिए क्या आलम होता, दुनिया में भटकते रहना पड़ता, फिर भटकते फिराते तुम्हारे तुम्हारे रूह के तो फरिश्ते लेके चल जाते, मगर ये जो रहता ना ये शैतानी वसवसे वाला हमजा रहता, जो हर शय हर इंसान के साथ में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिए कि हर इंसान के साथ एक शैतान पैदा होता, जितना नेक इंसान रहेगा वो शैतान उतना कमजोर रहेगा, और जितना गुनहगार इंसान रहेगा शैतान उतना मजबूत रहेगा, बाद में उसको पकड़ के लोगों के आंग में डालते, तुम्हारे भी आजाब होता उसको भी आजाब, बहुत दिमाग हो जाते। इसलिए बेहतर है कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे। मैं तुमको क्या बोलूं, मैंने तुमको लाइव में प्रैक्टिकल में बता दिया। अब लोग समझते थे कि छोकरा दारू पी पी के हाथा काट के मर गया या नशा करके, लेकिन यहाँ आने के बाद में क्या बात सामने आई कि उन्हें उसके बस में नहीं था, उन्हें किसी और शय के बस में, किसी और दुनिया की जो ना दिखने वाली चीज। इंसान का दिल और दिमाग ऐसी चीज है कि जब तक उन्हें कोई चीज को देखेगा नहीं, जब तक मानता नहीं, कोई भी उसको बताना पड़ेगा कुछ मानेगा, ईश्वर है, अल्लाह है, शैतान है, भूत है, तो बोलता बताओ बताए तो मैं मानूंगा नहीं, तो नहीं, क्योंकि वो चीजें अपनी जगह पर है, तुमको नहीं दिख रही, तो इसका मतलब नहीं है, नहीं है। तुमने जापान को जाके नहीं देखे तो क्या जापान दुनिया के नक्शे में नहीं है क्या? तुमने अमरीका नहीं गए, अमरीका को अपने आंकड़ों से नहीं देखे तो क्या अमरीका नक्शे में नहीं है क्या? है, वो सब अपनी जगह पे मुकर्रर है, अपनी जगह पे मौजूद है, तो वो भी तो वैसे ही ईश्वर अल्लाह खुदा उसकी कुदरत उसने बनाए वाले सारे चीजें जिन्नात इंसान सब है, मगर सब अपने अपने जगह पर मुकर्रर है और सब अपने अपने जगह पर मौजूद है, और उनसे बचने की जीने की हर चीज की सलाहियत हर चीज तुमको बता दिया गया है। और तुम अगर ना मांगेंगे सीख तो दर दर मांगेंगे भीख, क्योंकि जिन्नात शैतान चुड़ैल भूत और जादू टोना सबके सिर के ऊपर से जाता हूं और किसी को गिनते नहीं, कितनी बड़ी भी पोस्ट पे बढ़ जाओ तुम और कितने बड़े भी दुनिया के राष्ट्रपति बन जाओ कि दुनिया का राजा बन जाओ तो भी उन्हें गिनते नहीं। अगर जिसने तुम्हारे दुश्मन ने तुम पे चला दिया तो बरोबर तुम्हारे दरबार में घुस के हमला करते तुम्हारे ऊपर, क्योंकि वो जिन्नात है और शैतान है, डरते नहीं हो किससे, क्यों नहीं डरते तुम देख लो, तुमको लाइव में प्रैक्टिकल में बता दिया, और जहां अल्लाह ने दिया की ताकत है वहीं डरते वो, और वहां पर उनको उत्तम हार पड़ने के बाद ना लायका फिर बयान करते सारी दास्तान, यानी कि कितने मजबूत भी रहते हो। तुम ये भी देखो कि जो काम पे निकल जाते हैं, जो काम पे लग जाते हैं, तुम्हारे जैसा लेजी पना और ऐसी पना नहीं करते, ड्यूटी निभाने में अपनी ड्यूटी बरोबर निभाते हो, जो काम दिए जिसको मारने का बरोबर जाके मारने की तैयारी करते, इतना मार खा के कैसा बयान करते, फिर बाद में कितना उनको झंझोड़ के मार मार के सामने लाना पड़ता फिर बयान करते सारी दास्तान। तो ऐसी बातें, बहुत सारे इल्म है, बहुत सारी दास्तानें रखा अल्लाह ने, हर चीज का इल्म अलग अलग है। धीरे धीरे साइंस भी तरक्की करते करते पहुंचा, पहले साइंस भी बहुत सारी चीजों को नहीं मानता था, बाद में धीरे धीरे जब प्रूफ हुए तो सारे बातें सामने आए। और ये जो राज है ये तो बहुत वक्त लगेगा साइंस को, मेरा जहां तक कहना है बहुत तो बहुत बहुत, क्योंकि जब रूह को नापने वाला आला बनेगा या रूह की स्कैन करने वाली मशीन बनेगी आत्मा की स्कैनिंग की, जब पता चलेगा कि जादू टोना कितने लेवल पे चल रहा है बॉडी के अंदर, शुगर कितने लेवल पे, बीपी कितने लेवल पे, ब्लड प्रेशर कितने लेवल पे, जैसे नाप लेते ना वैसा रूह को नापने वाली मशीन होना, तो जब तुमको पता चलेगा जादू टोना रूह पे चलता, क्योंकि जादू टोना जिस्म पे नहीं चलता, रूह पे चलता और जिस्म पे उसके असर जाहिर होते। बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे दास्तान है, मुझ पर कहना तुमको ये सब बातें समझाना वाजिब है, बोलकर मैं तुमको समझा रहा हूँ। और एक बात मेरी याद रखना, कोई जादूगरों के पास जाना नहीं, कोई जादूगरों की मदद लेना नहीं, उन्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते, पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते, तबाह कर देते, क्योंकि उन पे खुद लानत बरसती, तुम उनके बाजू में बैठेंगे तो तुम्हारे भी छिटे गिर देंगे लानत के, तो फिर तुम भी गए उन्होंने भी गए सब वबा में घिर के खत्म हो गए। इसलिए जादू जादू से निकटता अल्लाह वालों के पास, बुजुर्गान दीन के पास जाना, नहीं तो कुरान और हदीस की रस्सी को मजबूती से थामना, दुआएं पढ़ना, खुद बहुत फिर वो कटना चालू होगा। तुम खुद अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, देने वाली जात अल्लाह की है, हर चीज पे हुकूमत करने वाली जात अल्लाह की है, तुम मांगो तो सही, बैठो तो सही, बिछाओ तो सही उसके सामने जानिमाज, और जानिमाज बिछा कर मांगो तो फिर देखो कैसा नहीं देता, वो रहमान और रहीम है, तुमको क्या बोलते, तो इतना इतना एहसान करा अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर कि बयान नहीं कर सकता, तुम्हारे सांसों पे तक अल्लाह की हुकूमत है, जानदार पे भी अल्लाह हुकूमत करता, बेजान पे भी अल्लाह हुकूमत करता। मूसा को दरियाए नील में रास्ता दे देता, दरियाए नील को चीर कर समंदर को रास्ता बना देता, मकड़ी की चादर तान देता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की बात जब आती तो, और नमरूद की जान जब लेने की बात आती तो मामूली मच्छर को हुक्म दे के जान लेने लगा था। जब उतना बड़ा उतना खादिर तुम्हारा रब है सातों जमीन और आसमान पे हुकूमत करने वाला, तुम उससे मांगो उसकी पनाह में रहो और उसको बोलो कि जादू टोनों से वबाओं से बलाओं से हमको महफूज रख अल्लाह, तू महफूज रख, तेरे हिफ्ज़ अमान रख, दुनिया का कोई जादूगर की औकात नहीं, जब अल्लाह तुम्हारी हिफाजत की ठान लिया तो तुम पे जादू चलाने की कोई जादूगर की औकात नहीं, कोई शैतान की नहीं, कोई जिन्नात की नहीं,
इबलीस का बाप भी उतर के आ जाएगा तो तुम्हारा जहमत नहीं दे सकेगा। जब अल्लाह हिफाजत उठानेगा और जब अल्लाह तुम्हारी हिफाजत की नहीं उठानेगा और तुम हिफाजत क्या दुनिया वालों को लगेंगे सिक्योरिटी, दुनिया की सिक्योरिटी, तो पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हारी हिफाजत करेंगी तो भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती। अगर अल्लाह ने हिफाजत की नहीं ठाना तो, और अल्लाह ने हिफाजत की ठान लिया तो पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हारा कुछ जहमत नहीं दे सकती, पूरा वर्ल्ड एक तरफ तुम एक तरफ, क्योंकि अल्लाह अगर तुम्हारे हक पे रहेगा तुम्हारे साथ में रहेगा और तुम्हारी हिफाजत की ठान लेगा तो बेहतर है उससे मंगो और नेक बनो और एक बनो। अगर नेक रहेंगे तो ये सब वबाओं से बलाओं से महफूज रहेंगे। और दुआ सब याद कर सकते हैं हर कोई, दुआएं याद करो, मुख्तसर दुआएं याद करना। और आयतल कुर्सी तो बहुत अच्छा है कि अगर याद कर लिए तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर कोई याद करके पढ़ सकता। तुम पढ़ेंगे तो तुम्हारा फायदा मिलेगा, उसका फायदा ये है कि तुम ये सब बलाओं से वबाओं से जादू टोनों से महफूज रहेंगे। बाकी किसका क्या आ जाएगा, जो ना मांगे सिख वो दर दर मांगे भीख, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह मन करने की तौफीक दे।